हेलो दोस्तों, मैं शुभम ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन से थोड़ा आँख में प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब रेगुलरली आएगी आपकी वीडियो। आज का जो आपका टॉपिक है वो विभाज्यता है, डिविजिबिलिटी है, और आज मैं अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं आज क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को वीडियो के एंड में अटेम्प्ट करना है। मतलब कि आप पहले पूरी वीडियो देख लें, समझ लें अच्छे से, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और सभी के आंसर सही कर देते हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आंसर जो हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, और अगर आप नए व्यूअर हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, मैं सीधा अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, विभाज्यता। विभाज्यता में असल में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं किन किन संख्याओं को विभाजित कर देती हैं। अब जैसे कि 10 है या 25 है, तो 25 ऐसा थोड़ी है कि सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, कुछ विशेष टाइप के नंबर्स को ही डिवाइड करता है 25। तो यहाँ पे यही पढ़ेंगे हम कि कौन सी संख्या किस किस टाइप की संख्या को डिवाइड कर देती है, तो इसी को कह देते हैं विभाज्यता के नियम। जैसे 2 का अपना अलग नियम है, 4 का अलग है, 6 का अलग है, 5 का अलग है, सबके नियम अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 का रूल, 4 का रूल, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, छठे क्लास में, सिक्स्थ में या सेवन्थ में, या अगर आपने कहीं कोचिंग ले रहे तब भी पढ़े होंगे, तो ये बहुत कॉमन है। मैं अपनी वीडियो यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल से इसको शुरू करूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन, और फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा रूल्स बताने के बाद, ठीक है। देखिए आप सबने देखा होगा कि अगर मैं 1 को 5 से गुणा करूं तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 को 5 से गुणा ना करूँ बल्कि 11 को 5 से गुणा करूँ तो ये 5 दो बार आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 111 कर लूँ और फिर 5 से गुणा करूँ तो आप देखेंगे कि 555 आ जाएगा, बहुत मामूली सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है आपको कि जितने 1 ले रहा हूँ मैं, जितने 1 ले रहा हूँ मैं, 5 उतने ही बार रिपीट हो रहा है, 2 ले रहा हूँ तो 2 बार, 3 ले रहा हूँ तो 3 बार। अगर मैं 10 बार 1 ले लूँ, मतलब मैं एक ऐसी संख्या ले लूँ ये, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें 5 10 बार आया होगा, ठीक। तो देखा जाए तो जो संख्याएं 1 से बनी होती हैं, उन संख्याओं की एक खास बात होती है कि वो नंबर को रिपीट करवाती हैं। कोई भी नंबर से जब आप ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 से बन रही है, तो वो संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये संख्या कितने बार रिपीट होती है, जितने बार 1 होता है उतनी बार रिपीट होती है। तो आप ये पॉइंट नोटिस कर लें कि जितने बार 1 आएगा नंबर उतने बार रिपीट हो जाएगा। अच्छा, ये रिपीटेशन की पॉलिसी जो है, ये जो नंबर रिपीट कर रहे हैं 5 को, ये सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर के लिए है। मतलब अगर आप सिंगल डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो रिपीट होगा, अगर आप 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 रिपीट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर 15 को अगर मुझे रिपीट कराना होगा तब मैं क्या करूँगा, तो यही पॉइंट आपको समझना है। देखिए, सिंगल डिजिट के नंबर को रिपीट करने के लिए तो हम 1 से या 11 से या 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर को रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, जैसे 15 को 15 ऐसे करके मैं आंसर ये निकाल के लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस 15 को मैं 101 से गुणा करूँगा, ठीक है, तो फिर ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। अब ये इसको आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पे 101 कैसे आया, देखो बड़ा सिंपल है, जब आप सिर्फ 1 से बने हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंगल डिजिट नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप डिजिट यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर जैसे आप 2 डिजिट के नंबर को रिपीट करना चाह रहे हैं तो आपको इन 1 के बीच में 10 लेना पड़ेगा। मतलब 2 डिजिट के नंबर को रिपीट कराना चाह रहे हैं तो 10,
अगर तीन डिजिट के नंबर को रिपीट कराना चाह रहे होते आप, तो इन वन के बीच में दो जीरो लेने पड़ते हैं। क्लियर है बात? मतलब ये कितने डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है ये डिपेंड करेगा जीरो पे। अगर आप एक जीरो ले रहे हैं तो उससे एक ज्यादा डिजिट वाले नंबर को रिपीट करा सकते हैं आप। एक जीरो होने पे दो डिजिट का नंबर रिपीट होगा, दो जीरो होने पे तीन डिजिट का नंबर रिपीट होगा। अच्छा, रिपीटेशन किस पे डिपेंड करता है? रिपीटेशन डिपेंड करता है वन पे। आप जितने बार इसको रिपीट कराना चाह रहे हैं उतने वन लेने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने इसको दो बार रिपीट करवाया, अगर आप इसको तीन बार रिपीट कराना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका आंसर ये निकल के आए, तो रिपीटेशन डिपेंड करता है वन पे। अगर तीन बार रिपीट कराना चाह रहे हैं तो आपको तीन बार वन लेना पड़ेगा और बीच में जीरो एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में एक जीरो का मतलब दो डिजिट का नंबर, बीच में दो जीरो होने का मतलब तीन डिजिट का नंबर। सिंपल है। दो बार रिपीट कराना है तो दो बार वन, तीन बार रिपीट कराना है तो तीन बार वन। अगर आप चाह रहे हैं चार बार रिपीट करा दें तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चार बार वन आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर चार बार रिपीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है। अच्छा, अगर मैं थ्री डिजिट नंबर ले लूँ, वैसे पता तो मैंने दिया ही, जैसे 123 को रिपीट कराना चाह रहा हूँ मैं, तो तीन डिजिट के नंबर के लिए मुझे बीच में दो जीरो लेने पड़ेंगे। एक सिंपल सा पैटर्न है, ये कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है यहाँ पे, बस एक पैटर्न को आपको याद रखना है कि भाई जितने डिजिट होते हैं उससे एक कम जीरो लेते हैं। तीन डिजिट हैं दो जीरो, दो डिजिट हैं एक जीरो, एक डिजिट है कोई जीरो नहीं। क्लियर है? तो अगर आप इसको रिपीट कराना चाह रहे हैं तो 123 123, दो बार रिपीट हो गया क्योंकि दो बार वन है। अगर मैं चाह रहा हूँ तीन बार रिपीट हो जाए तो तीन वन ले लूंगा मैं। तो ये पैटर्न उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, ये जो पैटर्न्स मैंने आपको समझाए, इन पैटर्न से आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप समझिए, ये जो नंबर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है या नहीं बना है? मतलब कि इस नंबर के ये दोनों फैक्टर हैं और फैक्टर क्या करते हैं, नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है इसलिए ये इससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और इससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह से ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है इसलिए ये इन दोनों से डिवाइड होगा। अब इससे तो ऑब्वियस है डिवाइड हो गई, तो इसकी मैं क्या चर्चा करूँ? आपको ध्यान रखना है कि देखो इससे डिवाइड होगा, मतलब तीन डिजिट के नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखो वो 1001 से डिवाइड हो जाएगा। दो डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो वो 101 से डिवाइड होगा। दो डिजिट का नंबर अगर तीन बार रिपीट हो रहा है तो वो इससे डिवाइड होगा 10101 से। क्लियर? ये ही आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, मैं इनको लिखवा देता हूँ आपको। देखिए रूल वन, ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, इस टाइप का मतलब जहां पे दो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, दो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, इस टाइप के नंबर्स हमेशा 10101 डॉट 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 के टाइप की संख्याओं से हमेशा पूरे कटेंगे, से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे। ये मैंने इस तरह की सभी संख्याओं के लिए लिखवा दिया ये रूल। अब ये रिपीट के हिसाब से आपको चलना है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ दो डिजिट का नंबर ए बी ए बी, सही है? तो ये जो नंबर है वो देखो दो डिजिट होने के लिए बीच में एक जीरो लेते हैं और रिपीटेशन दो बार है इसलिए दो बार वन लेंगे। तो ये जो नंबर है वो 101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा,
क्लियर। पहला रूल हो गया ये हमारा। दूसरा रूल देखते हैं अब हम थ्री डिजिट नंबर के लिए। देखिए थ्री डिजिट के नंबर जब रिपीट हो रहे हैं, जैसे इस तरह का कोई नंबर है ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कितने भी बार रिपीटेशन हो सकता है, ये दो बार तीन बार चार बार, इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो हमेशा 100101 के टाइप के नंबर्स से हमेशा डिवाइड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एक नंबर लूं, चलो मैं एक नंबर ही ले लेता हूं सीधा, मानो 231231 एक संख्या है जहां पे तीन डिजिट दो बार रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट? तीन डिजिट। तीन डिजिट का मतलब दो जीरो बीच में लोगे आप, और दो बार रिपीट हो रहा है तो दो बार वन लोगे। तो ये जो संख्या है वो 1001 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये आप जानते ही होंगे या जानते ही हैं कि अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो फिर ये इसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। अगर ये संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है तो फिर ये 1001 के जो फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड होगी। तो 1001 जो है वो 7 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है, 13 से भी कट जाता है। क्लियर है। अच्छा 7, 11, 13 तीनों इसके फैक्टर हैं, इनको अगर मैं मिला लूँ, जैसे 77, 11, 77 इससे भी पूरा कट जाएगा, इनको मिला लूँ 13, 11 या फिर 13, 7, 91 भी इसका फैक्टर है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 143 भी 1001 का फैक्टर है। तो ये संख्या इससे तो कटेगी ही कटेगी, इनसे भी कट जाएगी। ये पॉइंट मैं यूँ बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी। समटाइम तो एक ही ऑप्शन दे देता है ये वाला, समटाइम ये सारी ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो मैं सीधा आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। तो ये दो रूल हो गए आपके, तो अब देखते हैं इन दोनों रूलों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, देखते हैं इनको। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, दो अंकों की संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक चार अंकों की संख्या बनाई गई है। एक दो अंकों की संख्या को दो बार लिखा गया, जैसे 25, 25, 32, 32 लिख दिया। कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या हमेशा किससे कटेगी? तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको, दो अंकों की संख्या लेने का मतलब है बीच में एक जीरो लेंगे, और दो बार रिपीट हो रहा मतलब दो बार वन लेंगे। तो दो बार वन, देखो ना तो ये इससे कटेगी, ना इससे कटेगी, ना इससे कटेगी। ये तो कटेगी क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा, तो दो बार वन, और दो डिजिट का नंबर है तो बीच में जीरो। तो ये संख्या जो है वो हमेशा 101 से कटेगी। तो 101 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो देखो ये लास्ट जो ऑप्शन है ये कह रहा है सबसे छोटी तीन अंकों की अभाज्य संख्या, तो यही हमारा आंसर है असल में। क्यों? क्योंकि 101 जो है वो सबसे छोटी तीन अंकों की अभाज्य संख्या भी है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो x y प्रकार की छः अंकों की संख्या को हमेशा काटेगी? तो फिर वही बात, दो डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है तो बीच में एक जीरो लेंगे, और रिपीटेशन तीन बार है तो वन तीन बार लेना है हमें, तीन वन और बीच में जीरो एक एक लेना है क्योंकि दो डिजिट के नंबर है। तो ये जो संख्या होगी इस तरह की वो हमेशा इससे कटेगी, 10101 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। तीसरा क्वेश्चन, एक छः अंकों की संख्या ABC है, जबकि ABC क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ये ABC एलिमेंट ऑफ n का मतलब होता है कि ये तीनों के तीनों नेचुरल नंबर हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तो देखो यहाँ पे तीन डिजिट का नंबर है जो दो बार रिपीट हो रहा है। तीन डिजिट होने का मतलब दो जीरो बीच में आएंगे, और दो बार रिपीटेशन का मतलब दो बार वन आएगा। इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो 1001 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन है कि ये संख्या हमेशा 7 और 11 से विभाज्य है,
तो अभी मैंने बताया ही था कि भाई 1001 का ये फैक्टर होते हैं, 7, 11, 13, हैं 77, 91, 143, ये सब 1001 के फैक्टर हैं। तो अगर ये संख्या इससे कट रही है तो फिर ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। 143 से भी कटेगी, मतलब दूसरा भी ठीक है, और 1001 से तो कटेगी, तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। देखिए तो ये दो लिख दिए हैं मैंने क्वेश्चन एक के बजाय, तो इनको देखिए। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 40 अंक तक, कहाँ तक है ये 40 अंक, मतलब ये जो नंबर है इसमें टोटल 40 डिजिट है। कह रहा है इसके प्रकार की जो संख्याएं हैं, इस प्रकार की सभी संख्याएं हमेशा जिस महत्तम संख्या से कटेंगी, महत्तम मतलब सबसे बड़ी से कटेंगी, उसके अंकों का योग पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है ये संख्या जिस संख्या से कटेगी उसके अंकों का योग बताइए, जिस महत्तम संख्या से हमेशा कटेगी उसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो फिर वही कहानी, देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 4 4, और टोटल इसमें 40 डिजिट हैं। तो सीधी सी बात है, 4 डिजिट रिपीट होकर 40 अंक बनना है, मतलब रिपीटेशन 10 बार हो रहा है, और जितने बार रिपीटेशन होता है उतने ही बार हमें 1 लेना होता है। तो जो भी हमारी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी हमारी संख्या होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी ना, 1 के बीच में 3 जीरो लगे होंगे ना, 4 डिजिट तो 1 के बीच में 3 जीरो लगे होंगे, 4 डिजिट हैं तो 1 के बीच में 3 जीरो लगे होंगे और फिर बनाया होगा। और 1 कितने लेने होंगे हमें, 10, क्योंकि जितने बार रिपीटेशन होता है उतने बार 1 लेना होता। तो बस इस तरह का होगा जो हमारा आंसर होगा, 10001 10001 इस तरह की संख्या होगी हमारी, उसमें 1 कितने बार आएगा, 10 बार। तो जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो जीरो की तो वहां पर कोई इंपोर्टेंस रहेगी नहीं, जुड़ेगा क्या, सिर्फ 1, और 1 कितने बार आया होगा, 10 बार, तो 10 ही इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया, जितने बार रिपीटेशन है उतने बार 1 आता, और 1 को जितने बार आप जोड़ोगे वही आंसर है। तो बेसिकली जितने बार रिपीटेशन है वही आपका आंसर है। देखिए यहां पे भी ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट 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 60 अंक के प्रकार की संख्या हमेशा जिस सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड होगी उसके अंकों का योग बताइए। तो फिर वही बात, यहां पे इस संख्या में कितने अंक हैं, 60, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3। तो 3-3 डिजिट जब रिपीट करोगे आप, तो 60 अंक बनाने के लिए कितने रिपीटेशन लगेंगे, 3 से 60 को काटो 20, 20 बार रिपीट हो रही है ये संख्या, 20 बार रिपीट होने का मतलब 120 बार आएगा, मतलब जो हमारी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो बीच में 2 जीरो लिए जाएंगे, और 1 कितने बार लिया जाएगा, 20 बार। तो इस संख्या से कटेगा बेसिकली ये नंबर हमारा। तो जब इसके अंकों को हम प्लस करेंगे तो क्योंकि 20 बार बनाएगा तो योग भी 20 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम एक अगला नियम देखते हैं विभाज्यता का। देखिए अगर मैं 4 क्रमागत संख्याएं लूं, 4 क्रमागत संख्याओं का प्रोडक्ट लूं, गुणनफल, जैसे कि 10, 11, 12, 13, तो ये गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल 4 से जरूर कटेगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये गुणनफल जो है वो फैक्टोरियल 4 से 101% पूरा कट जाएगा। देखो 4 तिया 12, 3 से ये 2 3 कट गया, और 2 से ये 5 कट गया, तो कट गया ना सारा का सारा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर मैं 5 क्रमागत संख्याएं ले लूं तो वो फैक्टोरियल 5 से हमेशा कटेंगी, इनका प्रोडक्ट जो होगा। अगर मैं 6 क्रमागत संख्याएं ले लूं तो उनका प्रोडक्ट फैक्टोरियल 6 से हमेशा कटेगा। कहने का मतलब हम जितनी क्रमागत संख्याएं लेते हैं उनका गुणनफल उतने के ही फैक्टोरियल से हमेशा कट जाता है। मतलब कि अगर मैं n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल लूं तो वो हमेशा फैक्टोरियल n से पूरा पूरा कटेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी का, क्या कि n क्रमागत का मतलब कंजेक्यूटिव, इंग्लिश में बोलते इसको कंजेक्यूटिव, तो n क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा
फैक्टोरियल एन से कंप्लीटली डिवाइड होता है। डिवाइड होता है, क्लियर है? अच्छा, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलो मैं वो भी समझा देता हूं आपको। रूल तो वैसे मैंने बता ही दिया, ऐसा क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। देखो, जब भी हम क्रमागत संख्याएं लिखते हैं, जैसे मैं चार क्रमागत संख्याएं लिखूं, तो क्रमागत संख्या जो होती है उनमें एक का गैप रहता है। तो जब आप चार संख्या लिखोगे तो चार की वृद्धि होगी। देखो, एक तो ये खुद है, फिर एक और बड़ा, एक और बड़ा, एक और बड़ा, तो टोटल इंक्रीजमेंट चार हो गया ना। तो इसलिए जो लास्ट वाला नंबर होगा उसके अंदर चार जरूर होगा, होगा कि नहीं? जब इसके अंदर चार होगा तो ये चार से कटेगा। अगर आप तीन क्रमागत संख्याएं लेते तो जो तीसरा नंबर होता उसके अंदर तीन जरूर होगा, तो फिर वो तीन से कटेगा। अगर आप दो क्रमागत संख्याएं लोगे तो फिर उसके अंदर दो जरूर आएगा, जो दूसरी संख्या होगी उसके अंदर दो आ जाएगा। रीजन बहुत स्पष्ट है, चार संख्या ले रहे हो आप तो एक 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 और एक ये खुद है ही, एक ये खुद है ही, तीन की तो वृद्धि हो गई, एक ये खुद है, तो टोटल चार बन गया। नहीं तो इसलिए जो लास्ट नंबर होगा उसके अंदर एक फोर हमेशा ही रहेगा, क्लियर है? तीन लोगे तो उसके अंदर थ्री रहेगा, दो लोगे तो उसके अंदर दो रहेगा, क्लियर है? तो जितनी हम कंजेकेटिव नंबर लेते हैं उनके अंदर वो ही एक ना एक ऐसा नंबर जरूर आता है जो उतने से ही कटेगा जितने आप कंजेकेटिव नंबर ले रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैं ये स्टार्ट जो कर रहा हूँ इन नंबर्स को, वो वन से कर रहा हूँ। वन से आप स्टार्ट करोगे तो जैसे चार ले रहे हो आप, तो जो चौथा नंबर होगा वो ही चार से कटेगा, क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये वन से ना ले रहा होता, कहीं से भी ले लूँ, जैसे पंद्रह से ले लिया, पंद्रह से चार संख्या ले ली मैंने, तो पंद्रह से जब मैं लूँगा तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाला नंबर ही चार से कटेगा, सही है? देखो, इन चारों में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो चार से कटेगा ही कटेगा 100%। अब वो लास्ट हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये मैटर नहीं करता। लास्ट वाला तब होता जब वन से ले रहे होते आप, क्लियर है ना बात? तो देखो, क्योंकि ये चार क्रमागत संख्याएं हैं तो इनमें एक ऐसी जरूर होगी जो चार से कटेगी। देखो, ये कटती है चार से नहीं। अच्छा, इनमें एक संख्या ऐसी भी होगी जो तीन से कटती होगी, ये वाली देखो। एक संख्या ऐसी होगी जो दो से कटती होगी, ये वाली देखो। और एक से तो सब संख्याएं कटती ही हैं, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट होगा वो एक से, दो से, तीन से, चार से कटेगा कि नहीं कटेगा? कहने का मतलब फैक्टोरियल चार से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यही तो रूल है कि जितनी क्रमागत संख्या आप लोगे उतने के फैक्टोरियल से कट जाएगा। अगर आप पाँच लेते, यहाँ पे 19 ले लेते, 19 तक, तो फिर इसके अंदर एक ऐसा नंबर भी ज़रूर होता जो पाँच से कट रहा होता। देखो, वो नंबर 15 ही है, ये पाँच से कट रहा है, तो फिर ये नंबर फैक्टोरियल पाँच से पूरा डिवाइड हो जाता। क्लियर हुआ ये रूल या नहीं? ठीक। अब इस रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो शायद आपने अगर पहले इस रूल के बारे में नहीं पढ़ा है तो उस इस रूल के हिसाब से सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट इस रूल से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? हम उनको करने के लिए कुछ उल्टे पुल्टे मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब इस रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जो एन की पावर तीन माइनस एन, जबकि एन एक प्राकृतिक संख्या है, के रूप की हर संख्या को हमेशा डिवाइड करे। अच्छा, ये जो रूल है ये ध्यान रखना, ये ऑलवेज के केस में ही यूज करना है आपको, जो अभी लिखवाया मैंने, ऑलवेज, सही है? जनरली इस तरह के सवालों को बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके करते हैं। क्या करते हैं, एन की जगह वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। पहले एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, और उसको काट काट के देखते रहते हैं। जो ऑप्शन उनको जब सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है उसी को वो टिक कर देते हैं, ठीक है? कर सकते हैं आप इसको ऐसे, लेकिन उससे टाइम भी लग जाता है और सम टाइम आंसर गलत हो जाता है। सम टाइम क्या, अक्सर आंसर गलत हो जाता है उस तरीके से, क्योंकि आप जैसे वन रखोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, टू रखोगे तो छः आ जाएगा, थ्री रखोगे तो कुछ और आएगा। तो कोई नंबर किसी से कट रहा होगा, कोई किसी से कट रहा होगा, कोई किसी से कट रहा होगा, तो अक्सर ऐसा होता है कि हर किसी ऑप्शन से कटने वाली संख्याएं मिल जाती हैं, क्लियर है? हमें ऐसा आंसर बताना जो हमेशा ही काट रहा होगा इसको, हमेशा। तो वो ऑलवेज पता करने के लिए हमें कई सारे एन की वैल्यू ट्राई करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए वैल्यू पुटिंग से हमें इसको नहीं करना है, बल्कि हमने जो अभी रूल पढ़ा है उससे करना है। देखिए कैसे, देखिए जो नंबर है एन की पावर तीन माइनस एन, इसमें अगर मैं एन कॉमन कर लूँ तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन। अब एन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया,
तो एन स्क्वायर माइनस वन की जगह मैं एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन लिख सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। क्लियर है? अब देखो एन माइनस वन जो है वो एन से एक कम संख्या है, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा ये है, तो इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा, तो असल में ये तीनों जो हैं वो क्रमागत संख्याएं हैं। देखो n माइनस वन में एक जोड़ोगे तो n हो जाएगा, n में एक जोड़ोगे तो n प्लस वन हो जाएगा। तो ये तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो गया, नहीं मतलब ये जो नंबर है वो असल में तीन कंजेकेटिव नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए ये किससे कटेगा? फैक्टोरियल तीन से। फैक्टोरियल तीन मतलब एक गुणा दो गुणा तीन, मतलब कि छः। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा छः। क्लियर? यही काम आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देर लगेगी और हो सकता है आप सोचने लगो यार दो से तो नहीं कट रहा है, तीन से तो नहीं कट रहा है, बारह से तो नहीं कट रहा है, ये कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा आपको। तो आप रूल से ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इस संख्या के रूप वाली प्रत्येक संख्या को हमेशा विभाजित करे, डिवाइड करे। सेम क्वेश्चन, देखिए इस वाले एक्सप्रेशन के जगह ये है ना पूरा एक्सप्रेशन, इसकी जगह तो अभी कन्वर्ट करिए, आपने क्या आया था निकल के n इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन और इंटू एन माइनस टू है। तो अब ये देखो ये भी चार कंजेकेटिव नंबर हैं, इनमें जो सबसे छोटा है वो ये है n माइनस टू। एन माइनस टू में आप एक प्लस करोगे तो बन जाएगा n माइनस वन, एन माइनस वन में एक प्लस करोगे तो बन जाएगा n, और फिर एक वन प्लस करोगे तो बन जाएगा n प्लस वन। तो ये चार क्रमागत संख्याएं हो गई, इसलिए ये फैक्टोरियल चार से कटेंगी हमेशा। ऑलवेज के केस में ही लगाना है ये रूल, ये ध्यान रखना है। अगर इस क्वेश्चन में ऑलवेज नहीं लगा होता तो फिर आप ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सॉल्व करते। क्लियर है? तो फैक्टोरियल चार का मतलब चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, तो चार तीन बारह दूनी चौबीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चौबीस। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। तो देखिए ये एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ बोल रहा अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और बाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो बाई स्क्वायर माइनस टू बाई हमेशा किससे कटेगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा वर्ड देख के आप समझ जाया करो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से ही करते हैं, और एक ठीक तरीका भी है वैल्यू पुटिंग इस सवाल को करने का, हो जाते हैं बहुत सारे वैल्यू पुटिंग से। लेकिन आप यहाँ पे ये चेक कर लिया करो कि जिस एक्सप्रेशन की बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किससे कटेगा, वो कहीं कंजेकेटिव नंबर्स तो नहीं है, इसका प्रोडक्ट तो नहीं है, ये देख लिया करो। तो देखो हमसे पूछा जा रहा है कि बाई स्क्वायर माइनस टू बाई हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो बाई स्क्वायर माइनस टू बाई में वाई की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ये वैल्यू पुट करनी है हमें। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले क्या करेंगे, वाई कॉमन कर लेंगे। कर लिया? अब बाई की जगह बाई की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ से एक्स आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ आप कर लें इसके फैक्टर। फैक्टर में उम्मीद करता हूँ आपसे आते ही होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आते ही होंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस टू माइनस वन। कहने का मतलब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है? तो अब अगर आप अगर गौर से देखें तो देखो ये चार, एक दो तीन चार कंजेकेटिव नंबर हैं। देखो इनमें सबसे छोटा है एक्स माइनस टू, इसमें जब आप वन प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन में जब वन प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स, और फिर लास्ट में एक्स प्लस वन। तो ये भी देखो चार क्रमागत संख्याएं हुई, और आप जानते ही हैं कि क्रमागत संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल एन से कट जाता, तो फैक्टोरियल चार मतलब कि चौबीस से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया हमारा सी। क्लियर है? तो ये टॉपिक हुआ हमारा फिनिश। ये वाला रूल के तीन क्वेश्चन करा दिए मैंने, इनफ है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे रहते हैं, इसी तरह के होंगे दिखने में वो। अगर इसी क्वेश्चन में हमेशा शब्द नहीं लगा होता तब आपको वैल्यू पुट करके ही ट्राई करना होता, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 24 से ही कटेगा, और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो इसको काटेंगे।
लेकिन हमेशा अगर काटने की बात आएगी तब 24 से ही कटेगा, मतलब n की एक वैल्यू के लिए किन्हीं और नंबर से कट रहा होगा, n की दूसरी वैल्यू के लिए कुछ और संख्याओं से कट रहा होगा, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब आप यहाँ पे रखेंगे, सॉरी n की जगह y की जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कटेगा, लेकिन 24 से हमेशा कटेगा। क्लियर है? तो जब भी हमेशा शब्द लगा हुआ मिलेगा तब आपको ये रूल ट्राई करना है, हमेशा शब्द नहीं होगा तब नहीं करना है। ठीक है, तो इस रूल के हम तीन ही क्वेश्चन देखते हैं, अब चलते हैं आगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या मतलब 2, 4, 8, 16 हैं, इनके विभाज्यता के नियम देखते हैं। इससे पहले लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनका इस्तेमाल हम दो जगह पे करते हैं। पहला, एक तो यही चेक करने के लिए कि नंबर डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। दूसरा, रिमाइंडर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है डिविजिबिलिटी रूल्स का। ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। क्या क्या? फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी और दूसरा टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक, जैसे मैंने अभी शुरू में जो आपको क्वेश्चन कराए थे रिपीटेशन वाले, वहां पे आपने सीखा था कि भाई अगर दो डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 25 25, तो ये नंबर 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, पूरी तरीके से कट जाता है। तो एक तो यही पूछा जा सकता है कि भाई ये नंबर किससे कटेगा, तब तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर मैं कहता कि भाई इसको इससे डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, तो भाई आप जानते कि ये इससे पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो हो जाता। क्लियर है? अच्छा, मानो अगर ये कह देता कि भाई 25 25 27 को 1010 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, तो आप एक सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं दो, कि रिमाइंडर कितना होगा दो। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि भाई दो डिजिट का नंबर अगर तीन बार रिपीट हो रहा है तो वो 10101 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने 27 कर दिया है, तो फिर ये 25 25 27 को हम 25 25 25 + 2 लिख सकते हैं या नहीं? तो ये इससे ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो बचेगा, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो दो रिमाइंडर आ जाएगा। तो आराम से आप समझ सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, डिविजिबिलिटी रूल का रूल्स का जो इस्तेमाल है वो रिमाइंडर निकालने के लिए भी किया जाता है। एक दूसरा रूल मैंने बताया था कि भाई n कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो फैक्टोरियल n से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उस रूल का यूज़ भी हम रिमाइंडर निकालने के लिए कर सकते हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है एक। एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सब जानते हैं कि एक से सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उस पर तो मैं टाइम वेस्ट कर नहीं रहा। ठीक, दूसरा दो, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए दो से वो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनकी लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो जाती है, जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर दो से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लूं ये, तो देखो ये नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 6 है और 6 दो से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर जो है वो दो से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा मतलब कि रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 ना होकर कोई और ऑड नंबर होता, लाइक 5 होता, तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 दो से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर दो से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भी रिमाइंडर बताइए, तब भी आप पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो आपको रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया। अच्छा, ये रूल है क्यों? दो के केस में हम लास्ट डिजिट को ही क्यों काटते हैं? देखो, इसको समझना बहुत आसान है। हम सब जानते हैं कि जो टू डिजिट नंबर होता है, जैसे एक टू डिजिट नंबर एक्स वाई है, तो ये असल में 10x + y ही तो होता है। तो अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर रहा होता
तो इसका मतलब मैं इसी को तो 2 से डिवाइड कर रहा होता, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो ये वाला जो भाग है वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब अगर ये वाला हिस्सा भी पूरा डिवाइड हो गया तो फिर ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा क्या है, ये यूनिट डिजिट ही तो है, इकाई का अंक ही तो है, या कह लो लास्ट डिजिट ही तो है ये। तो अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो ये नंबर पूरा कट जाएगा, तो यही तो रूल है। अच्छा अगर मैं 3 डिजिट का नंबर ले लेता, इसको 2 से डिवाइड करता, तो 3 डिजिट का नंबर भी तो ये होता 100x + 10y + z। किसी को अगर ये नहीं पता हो ये क्या चक्कर है ये, हालांकि पता होगा, नहीं पता हो तो हम जो मैंने पहला वीडियो बनाया नंबर सिस्टम पे वो इसी टॉपिक पे है, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, उसको आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो ये पूरा कट जाएगा 2 से 150 बार, ये भी पूरा कट जाएगा। अब ये नंबर पूरा नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये लास्ट में आके इसी पे तो डिपेंड हो गया, लास्ट डिजिट पे। तो यही तो बोल रहा हूं मैं कि असल में कोई नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा ये डिपेंड करता है उसकी लास्ट डिजिट पे, क्योंकि जो शुरू की डिजिट्स हैं, पहली वाली डिजिट्स हैं, इस तरफ से जो पहली है वो या तो 10th डिजिट होगी या 100th डिजिट होगी, मतलब सैकड़े का अंक होगा या दहाई का अंक होगा या 10,000 का अंक होगा, तो वो तो 2 से पूरे पूरे कटेंगे। इकाई का अंक 2 से कटेगा या नहीं कटेगा इसी पे सारी कहानी डिपेंड करेगी, क्लियर है। तो रूल उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं 4 के रूल पर। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, देखिए 4 के केस में हम लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं, सही है। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से कट जाएं, 4 से डिवाइड हो जाएं, तो फिर वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं 15,624, मैं आपसे पूछूं भाई ये 4 से कट जाएगा, तो आपको पूरा नंबर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स काटेंगे। देखिए 4×24 कट रहा, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर यहाँ पे नंबर ये ना होता बल्कि ये होता 7826, मैं आपसे कहता कि भाई क्या ये इससे कट जाएगा, तब भी आप लास्ट की 2 डिजिट्स ही देखते। तो 26 चार से नहीं कटता, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा अगर यहाँ रिमाइंडर पूछा जाता तब भी आप इन्हीं को काटते, 4×24 रिमाइंडर कितना बचा, 2, क्लियर है। तो 4 के केस में 2 डिजिट्स देखते, अच्छा 4 के केस में 2 डिजिट क्यों देख रहे हैं हम, उसका भी वैसे ही रीज़न है। देखो जैसे एक 3 डिजिट का नंबर लूँ मैं XYZ, तो ये नंबर क्या होगा, 100x + 10y + z। अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 100 वाली डिजिट है, मतलब कि सैकड़े वाला जो अंक है, उसके अंदर तो हमेशा 100 रहेगा ना, और 100 हमेशा 4 से कट जाता, मतलब ये वाली डिजिट तो हमेशा 4 से कट जाएगी। अच्छा अगर यहाँ एक डिजिट और होती, मानो ए और होता, तो वो 1000 की डिजिट होती, तो उसको हम लिखते 1000A, ऐसे करके लिखते ना, 1000A + 100x, ऐसे लिखते। तो देखो 1000 भी 4 से कट जाता है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, 100 भी 4 से कटता, ये भी पूरा कट जाएगा। अब 10 4 से नहीं कटता, क्लियर है। तो ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा ये डिपेंड करेगा इस बाई पे, और ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा ये डिपेंड करेगा इस एक्स पे। कहने का मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा ये लास्ट की 2 डिजिट पे ही तो डिपेंड हो गया आके। तो बस यही तो रूल है कि भाई 4 के केस में क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को काट कर देखते हैं। इसी तरीके से जो 8 का केस है उसमें लास्ट 3 डिजिट्स को काट के देखते हैं, 16 में लास्ट 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स को काट के देखते हैं, 8 की विभाज्यता का क्या नियम है, लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से काट के देखेंगे आप। 16 के केस में क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट्स को 16 से काट के देखेंगे, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है इनको याद करना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करें आप कि ये 2, 4, 8, 16 जो हैं वो असल में 2 की पावर्स हैं, ये 2 की पावर 1 है,
ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ठीक। तो अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं 32 हो जाएगा, तो वहां पे 5 डिजिट चेक करेंगे, जितनी 2 की पावर है उतनी ही डिजिट चेक कर रहे हैं अगर आप गौर करें तो, क्लियर है। तो ऐसे ही मैं 32, 64, 128 किसी का भी रूल ले सकता हूं, लेकिन 32, 64 तक कभी सवाल बनता नहीं है, 16 तक ही बनता, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 की पावर्स के रूल। अच्छा, इन इसके बाद हम चलते हैं 3 की पावर्स पे। 3 की पावर्स से जाने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपको करा देता हूं। जैसे मानिए अगर मैं आपसे कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को 16 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, तो आप जानते हैं भी 16 के केस में तो हम आखिरी के 4 डिजिट ले लेते हैं, तो भाई इनको काटो 4 डिजिट को, वहीं से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। 16 चौका 64, बचे कितने 3, 38 हो गए, 16 दूनी 32, बचे कितने 6, 69 हो गए, 16 चौका फिर से 64, तो रिमाइंडर कितना बचा 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 5। 8 होता तो लास्ट 3 डिजिट देखते, 4 होता तो 2 देखते, क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम इन्हीं रूल्स पे। मानो ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितने बार 3 आ रहा है, 33 बार, 33 पदों तक है ये। इसको हमें डिवाइड करना है 8 से और रिमाइंडर बताना है। ये क्वेश्चन है कि 3 + 33 + 3 + 3 + 3 + ये कितने पद हैं इस पूरी सीरीज में, 33 पद हैं, और हमें इसको 8 से काट के R बताना है, तो क्या करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी चुके हैं सब, नहीं पढ़ी है तो पिछली वीडियोज़ मेरी देख लें, पूरे 5 पार्ट में मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाई है, कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो देखो 8 से 3 को काटेंगे तो 3 ही बच जाएगा, 8 चौक 32 1 बचा 13 हो गए, 8 एकम 8 5 बचा। अब इससे आगे आप जब जाएंगे तो अभी आपने रूल पढ़ा है 8 का, कभी 8 के केस में हम सिर्फ 3 डिजिट्स को ही काटते हैं, तो यहाँ पे आप इस पूरे नंबर को थोड़ी काटेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को काटेंगे, और 3 डिजिट क्या है, 333, और 333 को तो आप काट ही चुके हैं, कितना बच रहा है 5, तो फिर यहाँ से भी तो 5 ही बचेगा, और इसके आगे 5 बार 3 आएगा, लेकिन हम तो लास्ट के 3 डिजिट ही काटेंगे, तो इसलिए आगे भी +5 बचेगा, और ये +5 ही बचता रहेगा लास्ट तक, क्लियर है। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो देखो 3 और 1 4, तो ये हो गए प्लस। अब इसके आगे जितने भी पद हैं सब जगह से 5 5 5 बच रहा है, तो कितने बार 5 बच रहा है, देखो टोटल पद थे 33, 33 में से 2 पद तो ये हो गए, बचे 31, तो ये 5 31 बार बच रहा है, तो इसलिए कितना हो जाएगा टोटल 5 × 31, यही तो हमारा रिमाइंडर हो गया। तो कितना बन गया, 4 + 5 = 5, 5 + 15 = 159। अब ये तो 8 से बड़ा हो गया, इसलिए इसको दोबारा 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 × 16 = 160 तक टेबल चली जाएगी, 8 की -1 बचा, -1 रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम चलते हैं 3 की विभाज्यता पर, 3 की डिविजिबिलिटी पर, 3, 9 इस पर चलते हैं, ठीक है, 3 और 9 पर। देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या है भाई, देखिए 3 के केस में क्या करते हैं, किसी भी नंबर के अगर सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करें और फिर उसको 3 से काटें और वो 3 से कट जाए, तो फिर वो नंबर भी 3 से कट जाता है। कहने का मतलब किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो फिर वो नंबर भी 3 से कट जाता है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे ये नंबर है 5, 7, 8, 9, 3, 4, 2, 1, 7, मैं आपसे कहूँ भी बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं, तो एक तो आप भाग दे के ही पता कर सकते हैं, सीधा इससे इसको भाग दे तो पता चल जाएगा कटेगा या नहीं। लेकिन अगर आप भाग नहीं देना चाह रहे हैं इस नंबर को, तो आप क्या करेंगे, आप सबके अंकों का योग निकालेंगे, अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो फिर ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो अंकों का योग निकालिए, 5 और 7 12 और 8 20 और 9 29 32 34 36 38 और 1 39 और 7 46, तो क्या 46 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट्स 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा, क्लियर हो गई बात।
तो ये ही तीन का रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स तीन से कट जाए या डिवाइड हो जाए तो फिर वो संख्या भी तीन से कट जाती है। तो रूल तो सिंपल है। अच्छा, ये सम ऑफ डिजिट्स जब हम लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी नाइन हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। रीज़न बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पे बेसिकली हम यही तो कर रहे हैं, इनको सबको प्लस कर रहे हैं और प्लस करके जो वैल्यू आ रही है उसको तीन से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम। तो भाई तीन से इसको काटोगे दो बचेगा, इसको काटोगे एक बचेगा, इसको काटोगे तो दो बचेगा, इसको काटोगे तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो जितने भी नाइन हैं वो तीन से पूरे कट जाएंगे। अच्छा, नाइन के अलावा सिक्स भी कट जाता तीन से, थ्री खुद भी कट जाता। तो क्योंकि नाइन को जब काट रहे हैं तो जीरो बच रहा है, तो उसको छोड़ ही दो ना, जब जीरो ही बचेगा उसको काट के, तो इसलिए नाइन को हम हमेशा छोड़ देते हैं। क्लियर है? क्योंकि नाइन तो थ्री से वैसे भी पूरा कट जाता। तो जितने भी नाइन आपको दिखाई पड़े उनको आपको छोड़ देना है। अच्छा, जितने सीधे सीधे नाइन दिख रहे हैं उनको भी छोड़ना है, इनको भी छोड़ना है। देखो, जैसे सात और दो नौ, इसको भी छोड़ दो। पाँच और चार नौ, इसको भी छोड़ दो। आठ और एक नौ, इसको भी छोड़ दो। अब बचा क्या? सात और तीन दस, और दस का डिजिट सम कितना होगा? देखो, जैसे यहाँ चार और छः दस बन जा रहा था ना, तो यहाँ पे भी देखो सात और तीन दस ही बनना है। अब दस तीन से नहीं कटता है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर है वो तीन से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ रिमाइंडर पूछा गया होता है इस क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर भी आप ऐसे ही निकालते, सम ऑफ डिजिट्स निकालते और फिर उसको तीन से काट देते, तीन तीन नौ, रिमाइंडर आ जाता एक। तो ये तीन का रूल हो गया। क्या? कि भाई अंकों की योग को तीन से काट दो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अंकों के योग को क्यों काट रहे हैं? चलो मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ इसको। मानो एक नंबर है एक्स ए बी सी डी, चार डिजिट का एक नंबर है, हमें देखना है कि भाई ये तीन से कट जाएगा या नहीं। तो हम जानते हैं चार डिजिट का जो नंबर होगा वो होगा 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, यही तो होगा। इसी को तो हमें तीन से काटना है। तो देखो, जब इससे आप इसको काटोगे तो 999 तक टेबल चली जाएगी, तो बचेगा ए के, मतलब कि ए। यहाँ काटोगे तो 99 तक टेबल चली जाएगी, तो क्या बचेगा? बी। यहाँ काटोगे तो 9 तक टेबल चली जाएगी, क्या बचेगा? डी। और यहाँ तो पता ही नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि डी बच जाएगा। अब बच क्या गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप जानते हैं कि जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम दोबारा तीन से डिवाइड करेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो। अब ये बचे हुए रिमाइंडर को अगर मैं तीन से डिवाइड करूँ तो अब इसी पे तो डिपेंड करता है ना कि भाई ये पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। अगर ये हिस्सा पूरा कट गया तो हम कह देंगे भाई ये नंबर पूरा कट गया, और अगर ये हिस्सा पूरा नहीं कटा तीन से, कुछ बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो हम कहेंगे ये नंबर तीन से पूरा नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब ये नंबर तीन से कटेगा या नहीं कटेगा ये इनके योग पे ही तो डिपेंड कर रहा है, अंकों के योग पे। तो यही तो रूल है। क्लियर हुई बात या नहीं? अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो, अगर ऐसे समझने में कोई दिक्कत रही है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये जो चार डिजिट का नंबर है इसको मैं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी लिखूंगा। अच्छा, 1000 ए को मैं 999 ए प्लस ए, इसको 99 बी प्लस बी, और इसको 9 सी प्लस सी लिख सकता हूँ, नहीं, और डी अलग। मुझे इसको क्या करना है? तीन से काटना। अब मैं जानता हूँ कि ये जो हिस्सा है 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी, ये तो तीन से कम्प्लीटली कटेगा ही, क्योंकि सबके अंदर 9 है और 9 तो तीन से कट ही जाता है। बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाला हिस्सा तो तीन से कट ही रहा दिख रहा है। अब अगर ये वाला हिस्सा भी तीन से कट गया, एक डी और है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा भी अगर तीन से पूरा कट गया तो हम कह देंगे कि भाई ये नंबर तीन से डिविजिबल है। तो ये वाला हिस्सा है क्या? ये वाला हिस्सा अंकों का योग ही तो है। तो बस यही तो रूल है कि अगर अंकों का योग तीन से कट जाता है तो फिर संख्या भी तीन से कट जाती है। अच्छा, ये ही रूल 9 के लिए है, क्योंकि अगर मैं 9 से काट रहा होता तब भी तो देखो यही होता, 9 से ये तो पूरा हिस्सा कट ही जाएगा,
अब कहानी किस पे डिपेंड करेगी? अंकों के योग पे। तो अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो फिर पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो 9 का और 3 का सेम रूल है, 9 की विभाज्यता का नियम भी यही है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से कट जाए तो फिर संख्या 9 से कट जाती है। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स लेते वक्त 9 को आपको छोड़ ही देना है। 3 के केस में आप 6 और 3 को भी छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन कन्फ्यूजन होगी फालतू तो उसको छोड़ो, 9 जितने भी दिखा करें उनको छोड़ दिया करो सम ऑफ डिजिट्स लेते वक्त। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी 3 और 9 की विभाज्यता का नियम। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, जो मैं बताऊंगा, जो जनरल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है, सारे रूल्स बताने के बाद। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 5 पे। अब हमने 2 की घातें पढ़नी, 3 की घातें पढ़नी, अब हम आ जाते हैं 5 पे। 5 के केस में क्या करना, अभी आपको 5 की विभाज्यता का क्या नियम है? देखो सेम 2 वाला ही रूल है इसका, लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 5 से कट रही है तो फिर वो पूरी संख्या भी 5 से कटेगी। जैसे कि ये 9 ये संख्या है, अब मैं आपसे कहूं भी 5 से कट जाएगी थे तो आप तुरंत इसको देखेंगे, 8 5 से कटता नहीं कटता। देखो 5 से सिर्फ वो ही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 है या 5 है। 0 कट सकता है 5 से या फिर 5 कट सकता है। तो इस रूल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई वो संख्याएं जिनकी लास्ट डिजिट 0 होती है या 5 होती है, सिर्फ वो ही संख्याएं 5 से कटती हैं। तो दो तरह से कह सकते हैं, या तो ऐसे कह दो लास्ट डिजिट 5 से कट जाए, या कह दो कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तभी नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे अगर रिमाइंडर पूछा होता तो आप 5 से सीधा 8 को काटते, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बच जाता? 3। क्लियर है? 25 का क्या रूल है, 25 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है भाई? देखो 25 के केस में लास्ट 2 डिजिट 5 की पावर्स के वही रूल है जो 2 की पावर्स के रूल है, ठीक है। 5 की पावर 1 एक डिजिट देखो, 5 की पावर 2 2 डिजिट देखो, 5 की पावर 3 3 डिजिट देखो। क्लियर है? 125 का क्या रूल होगा, 3 डिजिट्स 125 से कट जाने चाहिए। तो बहुत यूजफुल रूल्स हैं ये, एक तो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे, जब भी आप कभी 25 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लीजिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। 125 के केस में आप एक लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये हो गए आपकी 5 की पावर्स के रूल, ठीक है। देखो इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ 5 की पावर्स पे, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 9999999 में क्या घटाएं कि संख्या नंबर 125 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या इसमें क्या घटाएं कि ये 125 से पूरा कट जाए? तो बेसिकली जब भी ये कहता है क्वेश्चन कि भाई इसमें क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि संख्या इससे कट जाए, तो ऐसे केस में हमें इससे इसको भाग दे के देखना पड़ता है, और जो लास्ट में शेषफल बच जाता है वो शेषफल ही हमें हमारा आंसर बताता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल का क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो सवाल करने का मेथड तो ये है कि 125 से आप इस संख्या को डिवाइड करो, जो लास्ट में शेषफल बचेगा वहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि 125 के केस में हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सीधा इससे इसको डिवाइड करें, पूरे नंबर को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब जानते हैं 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो 1000 तक जब टेबल जाएगी तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर नेगेटिव रिमाइंडर 1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 125 होगा कि नहीं? पॉजिटिव रिमाइंडर 125 होने का मतलब है
कि अगर 125 या तो टेबल 1000 तक जाएगी या 1000 से 125 पीछे तक जाएगी। तो अगर ये 125 इसमें से हटा दिया जाए तो समझ लो कि ये नंबर, अरे यहाँ पे जब मैं इससे इसको भाग दूंगा तो 124 बच जाएगा लास्ट में आके। 124 अगर नहीं बचता तो ये नंबर 125 से पूरा डिवाइड हो जाता। तो यही तो पूछ रहा अभी, क्या घटा दें, 124 निकाल दो इसमें से जो बच जा रहा लास्ट में, तो ये नंबर 125 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हमने 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर्स के रूल पढ़ लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल नंबर्स की तरफ, जैसे 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनकी विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो 7 से पहले मैं पहले 11 का रूल बताता हूँ आपको, 11 की विभाज्यता, 11 की डिविजिबिलिटी, 11 का क्या रूल है। देखो 11 के रूल को मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मानो कि ये एक 5 डिजिट का नंबर है या 6 डिजिट का नंबर है, एक संख्या है ए बी सी डी ई एफ, एक संख्या है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो कैसे पता करूँगा, तो देखो मैं ऐसे पता करूँगा कि मैं ये जो अल्टरनेट टर्म्स हैं, एकांतर पद, या ऐसे कह लो कि ये जो सम स्थानों पर ये जो अंक हैं, इवन प्लेस पर ये जो अंक हैं, और जो ऑड प्लेस पर अंक हैं ये वाले, इन दोनों का योग निकाल के इनका अंतर निकालूंगा। मतलब कि पहले इनका योग निकाल लो ए प्लस सी प्लस ई, और फिर इनका योग निकाल लो बी प्लस डी प्लस एफ, और फिर इनका डिफरेंस निकालो। अब अगर ये डिफरेंस 11 से कट गया तो फिर संख्या 11 से कट जाएगी, और अगर ये डिफरेंस 11 से नहीं कटा तो फिर ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसको हम एक नंबर के साथ समझ लेते हैं। मानो कि एक नंबर है 9, 5, 8, 3, 7, 6, 8, 9। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से कटेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका सम निकालूंगा पहले, ठीक। 9 और 8, 17 और 7, 24 और 8, 32। फिर इनका सम निकालूंगा भाई, 5 और 3, 8 और 6, 5 और 3, 8 और 6, 14 और 9, 23। अब इनका डिफरेंस निकालूंगा मैं। अब अगर ये डिफरेंस 11 से कट गया तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो अब इनका डिफरेंस कितना है, 9। 9 11 से कटता है क्या, नहीं कटता। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर है। अगर ये डिफरेंस मानो के 11 आ जाता, मानो के यहाँ पे 21 होता, तो फिर डिफरेंस कितना आ जाता, 11, और फिर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता, क्लियर है। लेकिन था के हैं 23, तो डिफरेंस आया 9, इसलिए नहीं कटा। अच्छा, अगर इसी रूल का इस्तेमाल, वही मैं बोल रहा हूँ, आप रिमाइंडर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। मानो इस क्वेश्चन में पूछा होता कि भी इसको 11 से काटो, रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पे 9। आप इनका डिफरेंस लेते ही बचा 9, 9 को जब 11 से काटोगे तो 9 ही बच जाएगा, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता, क्लियर है। तो ये 11 का रूल हो गया हमारा, 11 की विभाज्यता का नियम हो गया। इस पर थोड़ा सा गौर और कर लेते हैं इस रूल पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते बहुत अच्छे अच्छे। देखो जो इसके नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है वो तो मैं सारे रूल्स बताने के बाद बताऊंगा, लेकिन जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं अभी बताता चलता हूँ साथ ही साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझो, आप अब ये तो समझ ही गए कि जब भी हम 11 से का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करते हैं तो हमें सम स्थान पे जो अंक हैं उनको अलग जोड़ना पड़ता है, और विषम स्थान वालों को अलग जोड़ना पड़ता है, सम स्थान वालों को अलग जोड़ना पड़ता है, इनको अलग और इनको अलग, और फिर इनका डिफरेंस लेना पड़ता है। वो डिफरेंस जब 11 से कटता तब आंसर आता। अब आप सपोज करो कि जो विषम स्थानों पर अंक हैं और जो सम स्थानों पर अंक हैं वो सब एक जैसे हो जाएं, जैसे 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, सम स्थान और विषम स्थान के अंक भी एक जैसे हो जाएं और इनकी काउंटिंग भी एक बराबर हो जाए। देखो जैसे सम स्थान पे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, और विषम वालों पे 3 है, और सम वालों पे भी कितने हैं, 3 है, और डिजिट भी सेम है। तो जब आप इनका सम निकालोगे तो 5, 5, 5, 15, और इनका सम निकालोगे 5, 5, 5, 15, और दोनों का डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस तो 0 ही आएगा ना हमेशा, क्लियर है ना। और 0 हमेशा डिविजिबल नंबर माना जाता है, 0 हर संख्या से कट जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 0
हर संख्या से डिवाइड हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी डिफरेंस जीरो आएगा तो नंबर 11 से डिविजिबल माना जाएगा। क्लियर? तो नंबर 11 से डिविजिबल माना जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कभी आपके सामने ऐसी संख्या आए जो एक ही डिजिट से बनी हुई है, क्लियर है, और उसमें जितने इवन प्लेस हों, जितने ऑड प्लेस हों उतने ही इवन प्लेस हों, जितने ऑड प्लेस हों उतने ही इवन प्लेस हों, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा समझा दूंगा। मानो आपके सामने एक ऐसी संख्या आए जो एक ही डिजिट से बनी हुई है, बनी हुई है, और इसमें जो इवन वाले प्लेस हैं और जो ऑड वाले प्लेस हैं वो बराबर हों, जैसे तीन ही ये हैं और तीन ही ये हैं, तो डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। तो ऐसा नंबर हमेशा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अच्छा, इवन प्लेस वाले डिजिट और ऑड प्लेस वाले डिजिट बराबर कब आएंगे? जब इनकी जो काउंटिंग है, टोटल काउंटिंग, वो सम हो। सम मतलब जैसे ये फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 डिजिट होने का मतलब है 3 इवन प्लेस होंगे, 3 ऑड प्लेस होंगे। अगर ये 8 होते तो 4 इवन होते, 4 ऑड होते, 10 होते तो 5, 5, 12 होते तो 6, 6। क्लियर है? तो जब भी एक ही डिजिट को इवन टाइम लिख दिया जाएगा, इवन टाइम, जब भी ये इसकी सब थ्योरम या सब रूल मान लो, इसको इसका एक उपनियम मान लो कि एक ही डिजिट को इवन टाइम लिखकर बनी संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी पूरी पूरी। ठीक, तो ये 11 का रूल हो गया आपका, और एक उसका सब रूल हो गया। ठीक है कि भाई जब भी एक ही डिजिट को इवन टाइम लिखकर कोई नंबर बनाया जाएगा, जैसे 4, 4, 4, 4, 4, 4, तो ये 11 से पूरा कटेगा। 6 बार लिया ना, पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, अगर मैं 6 बार ना लेके 7 बार ले लूँ इसको, तो आप देखेंगे कि कोई सी एक जो प्लेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, या तो कोई सी के ऑड वाली ही ज़्यादा होगी। देखो ये 4 बार आ गया, 1, 2, 3, 4, और जो इवन प्लेस हैं वो 1, 2, 3 ही रह गए। तो यहाँ जो 4 जुड़ेगा वो 4 बार जुड़ेगा, यहाँ 3 बार जुड़ेगा। तो 4 बार 4 में से 3 बार 4 घटाओगे तो 1, 4 बच जाएगा। तो क्या 4 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? वो 4 ही आ जाएगा। अरे अगर मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूँ तो 4, 4, 4, 4, 16, 4, 4, 4, 12, डिफरेंस कितना बचा? 4, 4 को 11 से काटूंगा कटेगा ही नहीं, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर एक ही डिजिट ऑड टाइम आ जाए, ऑड टाइम रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए, तो एक ही डिजिट ऑड टाइम रिपीट हो जाए तो नंबर 11 से नहीं कटेगा। और रिमाइंडर वो ही डिजिट बच जाएगा। क्लियर है? वो ही डिजिट बच जाएगा, तो समझ ही रहे ना आप। देखो यहां पे मैं 1 से लेके 9 तक की कोई भी डिजिट ले सकता हूं। अब 1 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट 11 से कटता तो है नहीं। तो अगर आप 1-1 लेते हैं यहां पे, और जब डिफरेंस निकालते डिफरेंस 1 बचता, 2-2 लेते तो 2 बचता, 3-3 लेते 3 बचता, ऐसे ही 9 तक 9-9 लेते तो 9 बचता। तो डिफरेंस जो भी बचता वो 11 से कटता तो है नहीं, तो इसलिए वो डिजिट ही तो रिमाइंडर आ जाता। तो बस आप ये दोनों रूल याद कर लो, इंपॉर्टेंट रूल हैं ये। अगर एक ही डिजिट इवन टाइम रिपीट हो रही है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0।
और अगर एक ही नंबर ऑड टाइम रिपीट हो रहा है, विषम बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, तो फिर जब उसको 11 से आप काटोगे वो कटेगा नहीं, बल्कि वो डिजिट जो है वो ही रिमाइंडर बन के आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी रूल पे बेस्ड दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जो ये रहे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये बोला, अगर x इज इक्वल टू 2 2 2 2, ये एक संख्या है जो दो दो से बनी हुई है, और इसमें दो कितने बार आ रहा है, 22 बार। अच्छा ये 22 बार आए, 20 बार आए, 21 बार आए, 100 बार आए, कितने भी बार आए, आ तो दो ही रहा है ना, तो ये नंबर दो से एंड होगा, और जो नंबर दो से एंड होते हैं वो सम संख्याएं होते, तो बेसिकली ये सम है। आगे कह रहा है और बाई बराबर है 5 5 5 5 5 डॉट 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 एक्स बार, ठीक। तो कह रहा है जब बाई को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो बाई को 11 से डिवाइड करना है हमें, और बाई जो है वो एक ही जैसी संख्याओं से बना हुआ, एक ही जैसी डिजिट से बना हुआ नंबर है कि नहीं। तो अभी आपने पढ़ा एक ही डिजिट से जब नंबर बनता है तो अगर वो डिजिट इवन टाइम आ रही है तो 11 से वो पूरी कट जाएगी, और अगर वो डिजिट ऑड टाइम आ रही है तो फिर वो 11 से पूरी नहीं कटेगी, बल्कि वो नंबर ही रिमाइंड, वो डिजिट ही रिमाइंडर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो 5 आ रहा है वो x टाइम आ रहा है, x बार आ रहा है, इसका मतलब अगर x इवन हुआ तो फिर यहाँ पे ये 5 इवन टाइम आएगा, और अगर x ऑड हुआ तो फिर ये 5 ऑड टाइम आएगा। तो बस आपको पहले ये देखना है कि x इवन है या ऑड। तो ये मैंने समझाया ये भी, क्योंकि ये नंबर 2 2 2 2 से बना हुआ है तो इसका लास्ट का डिजिट भी तो 2 ही होगा ना, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि ये एक इवन नंबर है, और जब ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 5 इवन टाइम आया, और जब 5 इवन टाइम आया तो ये संख्या तो 11 से पूरी कट जाएगी, और जब पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है अगर a बराबर 3 3 3 3 3 3 कितने बार, 33 बार, और b बराबर 6 6 6 6 6 6 कितने बार, a बार। तो जब b को 11 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब के बार हमें b को 11 से डिवाइड करना है, तो सेम कहानी, यहाँ पे 6 6 से बन रही है ये संख्या, तो वही बात, अगर ये 6 इवन टाइम आया तो पूरा कट जाएगा, ऑड टाइम आया तो फिर ये 6 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो कितने बार आ रहा है ये, a बार। तो बस अब हमें ये देखना रह गया कि a इवन है या ऑड है। तो देखो a जो है वो सिर्फ 3 3 3 3 से बना हुआ नंबर है, तो इसकी लास्ट डिजिट भी 3 होगी, और लास्ट डिजिट 3 होने का मतलब ये एक ऑड नंबर हो गया कि नहीं। यहाँ पे आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 कितने बार आ रहा है, चाहे 3 एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, ये नंबर तो ऑड ही रहेगा, और जब ये ऑड रहेगा तो फिर यहाँ पे 6 ऑड टाइम ही तो आएगा। जब 6 ऑड टाइम आएगा तो फिर जब हम इसको 11 से काटेंगे तो ये डिजिट ही हमारा आंसर बन जाएगी। तो ये हुए हमारे 11 पर आधारित, 11 के रूल पे आधारित दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों। अब मैं चलता हूँ आगे। अभी मैंने आपको बोला था कि 7 11 13 17 19 के रूल पे चलते हैं हम, तो मैंने अभी आपको बता दिया 11 का रूल, 7 का रूल मैंने अभी छुड़वा दिया था आपको। अब मैं आपको बताता हूँ 7 11 13 का एक कंबाइन रूल। का एक कंबाइन रूल है, मतलब तीनों के लिए काम करता है वो रूल डिविजिबिलिटी का। ये रूल क्या है, देखो अगर मैं एक नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल ये नंबर ले लिया मैंने, सही है, मैं आपसे कहूँ कि भी बताओ ये 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से कटेगा या नहीं, तो 11 के लिए तो एक रूल पढ़ चुके हो आप, लेकिन मैं अब कंबाइन रूल बताता हूँ। देखो कंबाइन रूल ये है कि आप क्या करोगे, इस तरफ से ट्रिपलेट बनाओगे, राइट एंड से ट्रिपलेट बनाओगे, बना लिए, फिर इन ट्रिपलेट्स का डिफरेंस ले लोगे आप, क्या ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे, 3 में से 1 गया 2 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। अब इस डिफरेंस को अगर आप 7 से काटो तो अगर ये डिफरेंस 7 से कट गया तो फिर ये नंबर भी 7 से कटता हुआ माना जाएगा। तो क्या ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचे 6 62 हो गए, 62 7 से नहीं कटता, मतलब ये डिफरेंस 7 से नहीं कट रहा, मतलब ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। अगर ये डिफरेंस को मैं 11 से काटूं तो देखो 11 एकम 11 11 दूनी 22, 11 से कट गया, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है ये नंबर। अगर मैं इस डिफरेंस को 13 से काटूं तो 13 से ये नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा, इसका मतलब 13 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो बेसिकली करना हमें ये है कि ट्रिपलेट बनाने हैं, ट्रिपलेट का डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस को
सात से काट के देखोगे तो सात का डिविजिबिलिटी पता चल जाएगा, 11 से देखोगे 11 का पता चल जाएगा, 13 से देखोगे, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसी से काट के देखेंगे ऑब्वियसली। क्लियर है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 6 डिजिट हैं, अगर 6 से कम या ज़्यादा हो जाए डिजिट, तब मानो यहाँ 4 डिजिट होते तब भी आप यही करते, 3 और 1, इधर से आपको 3 का एक ट्रिपलेट लेना है, उसमें से इधर जो डिजिट बच रहे हैं, 1 बचे हैं 2 बचे हैं 3 बचे, उनको लेना, इनका डिफरेंस लोगे उसको काट के देखोगे। अच्छा, अगर यहाँ डिजिट ये हो जाते मानो, मानो ये होता नंबर, तब भी आप इधर से ट्रिपलेट बनाने हैं, आपको 1 बन गया 2 बन गया, यहाँ 2 डिजिट रहेगा, इनको अलग कर लेना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और उसमें से इसको माइनस करना है, या फिर इनको प्लस करके इसमें से उनको माइनस करना, जो भी बड़ा हो बड़े में से छोटा माइनस करना, और फिर उसको वही 7 से 11 से या 13 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 7, 11, 13 का एक कंबाइंड रूल, तीनों पर काम कर सकता है ये रूल, ठीक है। अब ये रूल से आप कहीं भी कोई भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 7 की 11 की 13 को, बहुत अच्छा रूल है, यही काम भी करता सबसे बेहतर। तो इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, देखो 7 का एक अपना स्पेशल रूल भी है, 7 का भी 13 का भी 17 19 सबका अपना एक स्पेशल रूल है, वो और बता देता हूँ मैं आपको। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मानो एक नंबर है 7526, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से कटेगा या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी लास्ट डिजिट है उसको डबल करूँगा, 6 दुनी 12, और उसको यहाँ से माइनस कर दूँगा बाकी बची हुई संख्या में से, लास्ट डिजिट को डबल करूँगा और उसको बाकी बची हुई संख्या में से माइनस कर दूँगा, फिर ये जो नंबर बच गया इसको 7 से काट के देखूँगा। अगर आपको लग रहा है ये बड़ा नंबर बचा है तो आप दोबारा से इस डिजिट को डबल करिए, तो 0 का डबल तो 0 ही होगा, और उसको बाकी बची हुई संख्या में से घटा दीजिए। अब आप इसको काट के देख सकते हैं, अगर ये बचा हुआ नंबर 7 से कट जाता है तो फिर ये संख्या, ये वाला नंबर भी 7 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटे। क्लियर है? तो ये एक रूल है, लास्ट डिजिट को डबल करो और उसको बाकी बची हुई संख्या में से घटा दो। अच्छा, 13 का भी एक रूल है इसी तरह का, 13 के केस में क्या करोगे आप, मानो मुझे चेक करना होता कि ये नंबर 13 से कटेगा या नहीं, तो मैं क्या करता, तो मैं लास्ट डिजिट को 4 गुना करता, 6 चौक 24, और इसको इसमें जोड़ देता, बची हुई संख्या में जोड़ देता 6 7 7, और इसको 13 से काट के देखता। अब अगर आपको लग रहा है ये बड़ी है तो फिर से लास्ट डिजिट को 4 गुना करिए, 6 चौक 24, और इसे बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए, तो 11 का 1 हासिल 1 10 101। अब आप देख सकते हैं कि क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 17 का भी एक रूल है, 19 का भी, 23 का भी, ठीक है, ये मैं बता ही रहा हूँ आपको कि फिलहाल मैं आपको किसके रूल बता रहा हूँ, ये 11 7 11 13 17 19, इनके कंबाइंड रूल भी बता दिया मैंने अभी आपको, वो डिफरेंस वाला, और एक इनके अलग अलग रूल्स भी हैं ये वाले। तो ये रूल में एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करती है बच्चों को, कि 7 के केस में हमने डबल करा, 2 गुना करके घटाया, 13 के केस में 4 गुना करके जोड़ा, 17 के केस में कुछ और करते हैं, 19 के केस में कुछ और करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि डबल करें, 3 टाइम करें 4 टाइम करें, और फिर जोड़ें या घटाएं, ये कैसे पता चलता है? तो ये और समझ लीजिए आप, देखो जैसे 7 के केस में डबल करा, डबल मतलब 2 कहाँ से आया ये, तो देखो आपको करना ये है, जैसे 7, 11, 13, 17 हैं, आपको क्या करना है, 7 की टेबल में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 10 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। तो जैसे 7 की टेबल में 7 या 21 एक ऐसा नंबर है जो 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 10 का मल्टीपल मतलब 10 का पहाड़ा, 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा आएगी 21। अब अगर मैं इस 21 में से एक घटा दूं तो ये बन जाएगा 20, और 20 जो है वो 10 का दूसरा सेकंड मल्टीपल है। तो बस ये जो 10 का मल्टीपल आया ये ही असल में पकड़ना है आपको, 10 का जिस नंबर का मल्टीपल आपको मिला
वहीं से आपको पता चलेगा कि कितने गुना करना है लास्ट डिजिट को। अच्छा, इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं ऑस्क्यूलेटर। ये वैदिक पद्धति है डिविजिबिलिटी की, इसको क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलेटर। अच्छा, अगर यहां पे 1 माइनस करना पड़ा है आपको, अरे 7 की टेबल में क्या है? 21। 21 को 10 का मल्टीपल बनाने के लिए अगर आप माइनस कर रहे हैं तो ये जो ऑस्क्यूलेटर मिलेगा ये नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर कहलाएगा। और अगर ये 1 माइनस ना करना पड़ता बल्कि प्लस करना पड़ता, जैसे यहां 19 आता तो आपको 1 प्लस करना पड़ता, तो फिर जो ऑस्कुलेटर मिलता वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर मिलता। नेगेटिव ऑस्कुलेटर होने का मतलब है कि आप घटाओगे, लास्ट डिजिट को डबल करके घटाओगे, और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होने का मतलब है कि आप प्लस करोगे। जैसे 11 को छोड़ो, चलो 11 का तो अपना ही ठीक रूल है, 13 को देखो। 13 की टेबल में ऐसा नंबर ढूंढो जो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो। तो 13 7 91, इससे पहले कोई आता है? नहीं आता। 13 7 91, तो 91 को अगर मैं एक कम कर दूं तो ये 90 बन गया कि नहीं? अब 90 10 का कौन सा मल्टीपल है? 9th मल्टीपल है। अरे है, और ये कैसे बना था? 90 घटा के बना था, घटाने का मतलब नेगेटिव ऑस्कुलेटर। तो 13 का जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर हुआ वो 9 हुआ। अरे हुआ कि नहीं? 13 7 91, 13 का जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर हुआ वो 9 हुआ। ठीक ऐसे ही अगर मैं 17 का ऑस्कुलेटर बनाऊं तो 17 के टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढिए आप जो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो। तो 17 3 51। ठीक, यहां पे एक माइनस करोगे आप तो ये 50 बन जाएगा। 50 बनने का मतलब 10 का कौन सा मल्टीपल हो गया? ये 5th मल्टीपल हो गया। अरे हो गया, तो 5th मल्टीपल होने का मतलब 17 के केस में आप 5 गुना करोगे। 2nd मल्टीपल होने का मतलब 7 के केस में 2 गुना करोगे, 13 के केस में 9 गुना करोगे, 17 के केस में 5 गुना करोगे। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर और पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर दोनों का जो योग होता है वो नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर के। तो अगर आपका कभी नेगेटिव वाला ऑस्कुलेटर या पॉजिटिव वाला ऑस्कुलेटर बड़ा आ जाए, जैसे यहां 13 के केस में 9 9 एक बहुत बड़ा ऑस्कुलेटर हो गया, 9 गुना करने में बहुत दिक्कत होगी, तो 13 के केस में आप नेगेटिव ऑस्कुलेटर ना लेके पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ले लो। आप जानते हो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर ये नंबर बनाते हैं, तो अगर नेगेटिव ऑस्कुलेटर 9 है तो फिर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 हो जाएगा। तो आप नेगेटिव ऑस्कुलेटर 9 ना लेकर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो बस आपको अब इतनी कहानी समझनी है कि भी 7 का नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या था? 2। 13 का ऑस्कुलेटर क्या था? वैसे तो 9 था माइनस का, लेकिन माइनस 9 के जगह में प्लस 4 भी ले सकता हूं। 17 के केस में जो ऑस्कुलेटर है वो भी नेगेटिव आ रहा था, सबका नेगेटिव ही आ रहा था इनका, तो 17 के केस में जो ऑस्कुलेटर बनना है वो क्या बनना है? 17 3 51। अरे टेबल पढ़ दिया करो, ये तो मैंने लिख के समझाने के लिए सब कहानी करी, आपको तो ओवरऑल हिसाब लगाना। आपने 17 का सोचना, तो 17 3 51, 51 को एक कम करा 50 50, 10 का कौन सा मल्टीपल? 5 में, मतलब ऑस्कुलेटर हो गया 5। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये आप कैसे देखेंगे? आपने सोचा यार 51 आया था और 50 बनाने के लिए घटाया था, घटाया मतलब नेगेटिव ऑस्कुलेटर, जोड़ते तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। जैसे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूं मैं, हैं, तो 169 हो जाता। चलो वो छोड़ो, खैर, तो 17 का अगर मैं ऑस्कुलेटर देखूं तो कितना आया? माइनस का 5 आया था, सॉरी। ऐसे ही मैं 19 का भी ऑस्कुलेटर बना सकता हूं, डिविजिबिलिटी रूल बनाऊं अगर मैं 19 का, तो 19 का ऑस्कुलेटर देखो, 19 9 171 होते हैं, 171 को एक कम करोगे बन जाएगा 170, 170 10 का कौन सा मल्टीपल है? 17वां। तो फिर इसका जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर बना वो 17 बना के नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ले लेंगे, 2। तो कहने का मतलब 7 के केस में 2 गुना करके 1 घटाना है, 2 गुना करके घटाना है,
13 के केस में 4 गुना करके जोड़ना है, 17 के केस में 5 गुना करके घटाना है, 19 के केस में 2 गुना करके जोड़ना है, क्लियर है? तो एक बार में आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गए। चलो मैं एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। मानो एक नंबर है 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, या ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो इतना ले लो। मुझे चेक करना भी 7 से कटेगा ये, तो मैंने देखा यार 7 का नेगेटिव ऑस्किलेटर 2 है, तो मैं इसको डबल करके घटा दूंगा, 10 घटाऊंगा, 6, 6, 8, 7, अभी भी मुझे बड़ा लग रहा नंबर, तो दोबारा 6 का डबल करूंगा, 12 घटा दूंगा, 4, 7, 7, अभी इसको मैं 7 से काट के देखूंगा, अगर ये नंबर 7 से कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो भी ठीक, ठीक है, तो नहीं कट रहा ये, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। चलो 13 से चेक करते हैं। 13 के केस में या तो मैं 9 गुना करके घटाऊंगा या 4 गुना करके जोड़ूंगा, तो 4 गुना करना ईजी है, तो 4 गुना करूंगा, 5, 4, 20 घटा दो, सॉरी जोड़ दो, 6, 9, 8, 7। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो दोबारा कर दिया करो पीरियड, तो 6, 6, 24, 13 के 3 हासिल लगा 1, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8। अब चेक कर लो, 13, 6, 78, बचे 3, 33 हो गए, नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा 17 से चेक करना है मुझे, तो 17 का ऑस्किलेटर कितना, 5, तो मैं लास्ट डिजिट को 5 गुना करके घटाऊंगा, नेगेटिव है ना ऑस्किलेटर, तो 5, 5, 25 घटाऊंगा भाई, 1, 5, 8, 7, अभी भी मुझे सेटिस्फाई नहीं, समझ नहीं आ पा रही, तो मैं 1 का 5 गुना करूंगा, 5 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा, 7, 8, 0, अभी भी अगर और करना है तो 0 का 5 गुना 0 घटा दूंगा, 78, तो क्या 78 17 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल भी नहीं है, क्लियर है, इनसे सबसे कटेगा ही नहीं है। 19 से चेक कर लो, 19 के केस में क्या करना है, डबल करके घटाना, सॉरी जोड़ना है, तो 5 का डबल 10 जोड़ोगे तो 6, 8, 8, 7, 6 का डबल 12 जोड़ोगे तो 0, 0, 7, सही है, 719 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नंबर ना तो 7 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से, किसी से नहीं कट रहा। तो ये मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी के रूल कैसे बनाते हैं इन नंबर्स के, ऐसे ही आप 23, 37 इन सब के रूल्स बना सकते हैं, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट चीज़ और बची है, वो और बता देता हूँ मैं आपको, फिर आपके डिविजिबिलिटी रूल हो जाएंगे ख़त्म, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा इन पे आधारित, बस फिर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो अब हम इस तरह की संख्याओं की डिविजिबिलिटी और समझ लेते हैं, जैसे 6 हो गया, 12, 18, क्योंकि इनसे बहुत सवाल बनते हैं, 6 से 12 से 18, 36, 48, 72। अगर सवाल कभी 72 से काटने को बोले या 48 से काटने को बोले, बेसिकली एक कंपोजिट नंबर की बात करें, किसकी, कंपोजिट नंबर की, मतलब भाज्य संख्या की, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? देखो अगर मुझे 6 से काट के देखना है किसी संख्या को, या 12 से देखना है, या 18 से, या 36 से, या 48 से, या 72 से, इनसे देखना है, तो इनके तो मैंने रूल अभी आपको पढ़ाए नहीं है, तो इनके केस में आप क्या करोगे? इनके केस में आप इनके फैक्टर करोगे, क्या करोगे, फैक्टर, जैसे 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, 12 के 3 गुणा 4, 18 के 2 गुणा 9, 36 9 गुणा 4, 48 के 16 गुणा 3, 72 के 9 गुणा 8, ठीक है? और फैक्टर करने के बाद ये जो फैक्टर बने, इन फैक्टर्स से नंबर को काट के देखोगे, जैसे किसी नंबर को आपको 6 से काटना था, तो आपको 6 से नहीं काटना होगा, उसको 2 और 3 से काटना होगा, मतलब अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट रही है, तो फिर वो 6 से भी कटेगी, अगर कोई संख्या 3 और 4 से कट रही है, तो 12 से भी कटेगी, अगर कोई संख्या 9 और 8 से कट रही है, तो फिर वो 72 से भी कटेगी। तो इस तरह के नंबर जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं, उनके केस में हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना के उन फैक्टर्स से काट के देखते हैं। अच्छा फैक्टर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर जो होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए। अब ये को प्राइम क्या है, देखो ऐसा संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी
कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे दो और चार, इनमें दो कॉमन है दोनों में, तीन और छः दो कॉमन है या तीन कॉमन है, लेकिन दो और तीन इनमें कुछ कॉमन नहीं है, छः और ग्यारह कुछ कॉमन नहीं है, पाँच आठ कुछ कॉमन नहीं है, चार नौ कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे जो पेयर होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, उनको कहते हैं हम को प्राइम। तो जब भी आप इनके फैक्टर्स करेंगे तो हमेशा को प्राइम करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आया भी तो होगा, आया होगा ये कि 12 के सर 6 गुणा 2 भी तो कर सकते हैं। 6 गुणा 2 नहीं करेंगे आप, क्यों? क्योंकि 6 और 2 को प्राइम नहीं है। ऐसे ही 18 के 6 गुणा 3 कर सकते हैं, लेकिन 6 गुणा 3 को प्राइम नहीं है। तो आपको जो फैक्टर करने हैं वो को प्राइम करने हैं, और उन फैक्टर्स से काट के देखना है नंबर को, जब भी इनकी डिविजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो। अब ये आपके डिविजिबिलिटी के रूल हुए कंप्लीट। अब इनसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और जो पीछे मैंने आपको सारे रूल बताए उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है K35624 को 11 से विभाजित करना है। 11 से विभाज्य है ये, तो K का मान बताना। तो भी जानते हैं हम 11 का रूल के भाई, इनका सम और इनका सम का डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा। तो इनका सम बन जा रहा है 6, 4, 10 और 3, 13, और इनका सम बन जा रहा है भाई 5 और 2, 7 प्लस K। अब डिफरेंस में बोल ही रहा हूँ, या तो 0 आना चाहिए या 11 बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको 24 बनाना पड़ेगा, 24 में से 13 जाएंगे तभी तो 11 बनेंगे। तो 24 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि K की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 9 रख सकते हैं ना हम, तो इसलिए 0 ही बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए 13 बनाना पड़ेगा, और 13 बनाने के लिए 6 रखना पड़ेगा। तो K की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। दूसरे पे आ जाइए। दूसरे में कह रहा है कि भाई 2, 3, 4, 8, 7 के 2 8 से विभाज्य है, तो K के सभी संभव मानों का योग बताइए। तो देखो, क्योंकि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसलिए इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। अब चक्कर ये है कि K की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो हमें रख के ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 0, 1, 2, 3, 4 हैं। अगर 0 रखेंगे K की जगह, तो भाई ये 702 हो जाएगा ना, तो 8, 8, 64 6 बचा 62 हो गया। 62 तो 8 से कटता नहीं, तो 0 नहीं रख सकते। 1 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 7, 7, 64 कितना बचा, 7, 72 हो गया। अरे 8, 8, 64 कितना बचा, 7, 72 हो गया। 8, 9, 72 1 से हो जा रहा है। देखो अब अगर 2 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 72। फिर मैं टेबल पढ़ूंगा, 8, 9, 72 बचा 2 नहीं हो रहा। 3 रखूंगा, 8, 9, 72 बचा 1 12 हो गया। 3 से 12 भी 8 से नहीं कटता। 4 रखूंगा तो भी 742 हो जाएगा ये, तो 8, 9, 72 2 बचे 22 हो गए, 22 भी 8 से नहीं कटता। 5 रखूंगा तो फिर से 8, 9, 72 3 बचे 32 हो गए, 8, 4, 32 5 से हो जा रहा। 6 रखूंगा, अब थोड़ा ओवरली चल रहे हैं, 6 रखेंगे तो 8, 9, 72 बचे कितने, 4 42 हो गए, 42 8 से नहीं कटता है। 7 रखेंगे तो 8, 9 फिर से 72 बचे कितने, 52 भी 8 से नहीं कटता है। 9 रखेंगे, सॉरी 8, तो 8, 9, 72 6 बचे 62 हो गए, ये भी नहीं होता। 9 रखेंगे तो 8, 9, 72 बचे 7, 72 हो गए, 8, 9, 72 9 से हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू हुई, 1, 5, 9 इनका सम कितना हो गया, 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है, तो इसकी जो डिजिट सम है वो भी 9 से कटेगा, तो डिजिट सम लो इसका। अच्छा, डिजिट सम लेंगे तो 9 को तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इन तीनों का योग भी 9 बनना चाहिए, तो 1, 0 तो स्टार की जगह 8 रखना पड़ेगा, नहीं तभी तो इनका डिजिट सम 9 बनेगा, और तभी तो ये संख्या 9 से कटेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अगले पे आ जाते हैं। यदि एक 6 अंकीय संख्या ये 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। देखिए, x प्लस वाई का मान पूछ रहा। अब क्योंकि ये नंबर 88 से कट रहा है, तो 88 के अगर मैं को प्राइम फैक्टर करूँगा, मैंने बोला था ना कि 88, 72, 36 इनके केस में फैक्टर कर लेते हैं, तो को प्राइम फैक्टर करूँगा तो 8 और 11। तो क्योंकि ये नंबर 88 से कट रहा है, तो इनसे भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 8 से भी, तो 11 से चलते हैं। देखो, 11 के केस में सब जानते हैं कि इनका सम लेते हैं हम, और इनका सम लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो इनका सम 4, 4, 8 और 9, 17।
और इनका सम है x प्लस बाई प्लस छः। अब इनका डिफरेंस या तो जीरो आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो वही बात, अगर 11 लाना चाहो आप तो यहाँ कम से कम 28 बनाने पड़ेंगे आपको, तो 28 ही बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 रख सकते हो x प्लस बाई की जगह, क्लियर है? तो 9 भी रखोगे तब भी यहाँ पे 24 बन पाएगा, तो इसलिए हम 17 बनाएंगे इसको। 17 बनाने के लिए हमें 9 तो रखना पड़ेगा x प्लस बाई की जगह, 9 और 6 17 हो जाएगा, तो x प्लस बाई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक 7 अंकों की संख्या ये 72 से विभाज्य है तो फिर x प्लस बाई पूछ रहा है। तो भाई ये वाला नंबर किससे कट रहा है, 72 से। 72 के जो को प्राइम फैक्टर है वो 9, 8 है, तो क्योंकि ये 72 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो भाई 9 का रूल लेके चलते हैं हम। 9 का रूल वही है कि भाई डिजिट सम 9 से कटेगा, तो डिजिट सम निकालो। तो डिजिट सम निकालोगे तो ये 5, 4, 9, 6, 3, 9 इनको तो छोड़ ही दोगे, बचे क्या, x प्लस बाई प्लस 4। अब भाई योग या तो 9 ही आ जाना चाहिए या 18 आ जाना चाहिए या 27 आ जाना चाहिए। तो 27 तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 9 रख सकते हो आप यहाँ पर, 9, 9, 18 और 4, 22 ही ज़्यादा से ज़्यादा योग हो सकता। 18 बना सकते हैं, 18 बनाने के लिए हमें x प्लस बाई की जगह 14 रखना पड़ेगा। तो एक तो x प्लस बाई की वैल्यू यहाँ 14 हो सकती है, और अगर मैं 9 बनाना चाहूँ तो फिर मुझे x प्लस बाई की जगह 5 रखना पड़ेगा, तो दूसरी वैल्यू 5 हो सकती है। तो x प्लस बाई की यहाँ 2 वैल्यू हो सकती हैं, 14 और 5। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि आप किसको टिक करें। समटाइम पूछ लेता अधिकतम मान तो फिर 14 पे करेंगे, समटाइम कह देता न्यूनतम मान तो 5 पे करेंगे। अगर ये बोलेगा ही नहीं कि भाई कौन सा मान बताना है, तो फिर ऑप्शन पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके ये हुए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अब हम। देखिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी पूरी कटेगी। तो देखो जो संख्या 99 से कटेगी वो 9 और 11 दोनों से कटेगी ना, 9 और 9 × 11 इसके फैक्टर। तो पहले 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से वही कटेगी जिसका डिजिट सम 9 से कटेगा। तो डिजिट सम देखो भाई, 9 को तो छोड़ ही देंगे, इनका 6 और 7 13 और 4 17, ये तो नहीं कटेगी। यहाँ पे देखो 8 और 1 9 सही है, 7 और 1 8 और 3 11 ये भी नहीं कट रही। यहाँ पे 8 और 1 9 7 और 2 9 बचा 1 9 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। तो अपने आप ही आंसर हो गए, 11 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे चाहो तो चेक भी कर सकते हो आप, देखो 6 और 3 9 5 और 5 10 और 8 18, डिजिट सम 18 है इसका, कटा है 9 से। और अगर आप 11 से भी चेक करना चाहते हो तो देखो 5 और 6 11 और 8 19 और 3 और 5 8, 19 में से आगे कितने बचे 11, तो डिफरेंस भी 11 से कट रहा, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक 3 अंकीय संख्या 9, 8, 4 को एक दूसरी संख्या 4, p, 3 में जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, तो एक 4 अंकों की संख्या आती है 1, 3, q, 7। तो कह रहा है जो कि 11 से विभाज्य है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से। तो कह रहा है p प्लस q बताइए, p प्लस q। अब देखो ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो फिर इनका योग 10 और इनका योग 1 प्लस q, इनका डिफरेंस 0 आएगा। तो डिफरेंस 0 लाने के लिए q की जगह तो 9 रखना पड़ेगा, इसका मतलब q की वैल्यू तो 9 हो गई। चलो एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब p की वैल्यू और पता कर लो। देखो p की वैल्यू ऐसे पता करोगे, आपको पता है कि इनको प्लस करना है, तो देखो 4 और 3 7 प्लस हुए हैं, और यहाँ पे 8 में कितना प्लस करेंगे, 9 आ जाए हैं, 1। अगर आप p की जगह 1 रख देंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम मैं यहाँ पे 9 ही तो रख सकता हूँ, अगर मैं 9 रख दूँ तो 9 और 8 तो 17 होते, तो फिर यहाँ 7 आता, जबकि लाना 9 है। इसका मतलब p की वैल्यू 1 ही रखी जाएगी सिर्फ, और q की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो योग कितना हो गया इनका, 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 10। तो ये हो जाता है आपका टॉपिक फिनिश, डिविजिबिलिटी, सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। और जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन दिए हैं, अब आप इस पूरी वीडियो को अगर देख चुके हैं तो अब आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आपको लगता है अच्छा लगा देख के वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। थैंक यू।